शिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घनसौर में शराब ठेकेदार द्वारा मुनाफे के लिए शराब दुकान के अलावा शराब की अवैध बिक्री के लिए गांव-गांव में एजेंट बनाना शुरू कर दिया और इन एजेंटों के माध्यम से अपने अवैध कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। घनसौर क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के व्यवसाय के सिरमौर यहाँ की लाइसेंसी शराब ठेकेदार बने हुए जो गांव-गांव को शराब से सरोबर करने में तुले हुए हैं। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा दिया जाने वाला लाइसेंस दुकान तक सीमित होता है, आसपास के ग्रामीण सप्लाई करने के लिए यहाँ लाइसेंस नहीं होता। माना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से कई बार इस विषय में हम लोगों ने मुद्दा उठाए हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी जो नया नया ठेका हुआ है यहाँ घनसौर में, इसके द्वारा बराबर देहातों में सप्लाई की जा रही है शराब, बुलेरो से, स्कॉर्पियो से, मोटरसाइकिलों से शराब जो देहातों में सप्लाई की जा रही है। और ये जो समय है कोरोना काल है, और इस कोरोना समय में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। शराब कहाँ से आ रही है, कौन सी गाड़ी में लोड होके आ रही है, इस ओर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आबकारी विभाग तो विगत 4-5 माह से उसका पता ही नहीं, घनसौर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा निवेदन है शासन से, प्रशासन से, कि आबकारी विभाग को ठीक करें और आबकारी विभाग को निर्देशित करें कि वो जहाँ भी ये देहातों में शराब सप्लाई हो रही है उसको पकड़ें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हमारे जो माननीय सांसद महोदय जी हैं, माननीय विधायक महोदय जी हैं, जरा इस ओर ध्यान दें, जिससे अनेक जो समस्याएं जो ग्रसित हैं ग्रामीण, जो शराब पी के ग्रामीणों में और खासकर समाज जो आदिवासी समाज है, इसमें उन्हें बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है शासन से, प्रशासन से, कि तत्काल इस ठेका के जो भी संचालक हैं इनके ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कोविड-19 के तहत पूरा देश और मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत विकट संकट है, और ऐसी परिस्थिति में घनसौर अंग्रेजी देसी शराब की दुकान शासन के मनसंसार बंद होना चाहिए थी, और लेकिन यहाँ के ठेकेदार के द्वारा गांव-गांव में दारू का विक्रय, और जबकि पूरा देश में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन कर कार्यक्रम रखा गया, लेकिन घनसौर ये मध्य प्रदेश के दारू दुकानें बंद नहीं की गई। इससे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है, और मध्य प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कमी महसूस होती है। लेडी, इसी के तहत घनसौर शराब की दुकान से मंडला क्षेत्र बॉर्डर में भी और नर्मदा तट के किनारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पूर्व में यह घोषणा की गई थी कि नर्मदा के तट पर किसी प्रकार से शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, टोटल प्रतिबंध रहेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर शराब ठेकेदार एवं हमारे आबकारी विभाग के मिलीभगत से नर्मदा तट के किनारे और मंडला बॉर्डर में शराब बिक रही है। इससे कहीं ना कहीं हमें संदेह प्रतीत होता है, और हमारे बहुल आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी और यहाँ पर निवासरत लोगों को कहीं ना कहीं उनका मानसिक गुलाम और उनको बिगाड़ने का एक कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से चल रहा है शराब जगह जगह वितरण कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।